हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार स्टॉक के ऊपर। इन चारों स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, स्मॉल कैप स्टॉक है, एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकली लेवल्स को ध्यान से समझेंगे, कहाँ पे अभी एंट्री लेना है, कहाँ पे थोड़ा सा वेट करके एंट्री लेना है। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक पेशेंस के साथ देखिए, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो के शेयर में देखेंगे, स्टॉक आज 2% नीचे क्लोज हुआ है। इस पूरे वीक में स्टॉक जो है 14.57% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है और लास्ट वन मंथ में स्टॉक 47% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा तेजी जो है इस स्टॉक में हम लोगों को लास्ट वन मंथ में देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर पूरे ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो अतुल ऑटो हो, बजाज ऑटो हो, स्कॉट्स हो, आइसर मोटर हो, टाटा मोटर्स, M&M, सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। तो चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं, इस स्टॉक में हम लोगों को क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लगातार जो है इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर अपडेट देते रहते हैं। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो चुका है, कोई ब्रेकआउट जो रीटेस्ट हो रहा है, किसी स्टॉक में इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहीं पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं उन सभी स्टॉक्स को आप लोगों के साथ शेयर करने की, ट्विटर हो या फिर टेलीग्राम हो। तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे, कैम्स को हम लोगों ने शेयर किया था नवंबर 2023 को मैंने शेयर किया था 2840 के लेवल पे कैम्स को, और इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली 3890 का हाई लगाया है। वापस से एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है जहां पे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 38-39% के आसपास का रैली आपको कर चुका है। तो लगातार इसी टाइप के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का अपडेट देते रहते हैं, साथ ही साथ जो है आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स भी मिलते रहता है। इसके साथ ही अगर बात करें, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स चाहते हैं जो जहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट हो हफ्ते में या फिर 5-10 ट्रेडिंग सेशन में 10-15% का आपको रैली चाहिए, तो फिर जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि अभी आपको हैवी डिस्काउंट चल रहा है। 1000 रुपीज़ पर मंथ में ही आपको ये ग्रुप अभी मिल रहा है, जहाँ पे कि वन मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इन केस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संडे तक ही ये ऑफ़र है, संडे के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा, तो आप संडे से पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन लर्निंग में, यानी कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोर्स करना चाहते हैं, तो इस संडे से टेक्निकल एनालिसिस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव क्लास होगा, वीक में 2-3 होगा, और साथ ही साथ जो है क्लास के बाद जो है क्वेश्चन आंसर भी होगा, साथ ही साथ जो भी आपका क्वेरी होगा वो सभी यहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो काफ़ी बेनिफिशियल ये कोर्स होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। इन केस अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं डेडिकेटली, ओनली FNO ट्रेड करते हैं, तो आप हमारे फ्री प्रीमियम FNO ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। ओनली थिंग है जो आपको हमारे रेफरल लिंक्स जो कि जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, वहां पे 2 वीक्स ट्रेड करना है, और ट्रेड करने के बाद जो है आप डिटेल्स शेयर कर दीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग अतुल ऑटो शेयर के ऊपर। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला था। इस स्टॉक को काफी नीचे हम लोगों ने रिकमेंड किया था, कब रिकमेंड किया था इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था आपको ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक
रिवर्सल पैटर्न का भी ब्रेकआउट किया था। ये अगर देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट हुआ था और इसी लेवल पे हम लोगों ने इस स्टॉक को पोस्ट किया था फर्स्ट टाइम। और अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया है 844 रुपीज का। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट इस स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो, यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा धीरे धीरे करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कर चुका है। प्रीवियस टू वीक में मोर देन 25% का मोमेंटम हो चुका है तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में 1000, 1200 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब के शेयर में भी एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखना है। स्टॉक ऊपर की साइड में 4250 के लेवल की साइड मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है इस चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है और ये ब्रेकआउट जोन जो है आपको 2 ईयर का कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट है। पहला कंफर्मेशन है यहाँ पे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट। सेकंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हुआ, एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अब स्टॉक ऊपर की साइड में मूव कर सकता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कम्प्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है 4000, 4250। और एक बार स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 6500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। आप पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर अगर आप होल्ड करते हैं तभी आपको इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। ओवरनाइट पोजीशन में या 1 मंथ में आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। 1 मंथ में आपको 10-20% मिल जाए वो बहुत है। लेकिन अगर एक बार स्टॉक सबसे पहला आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, करंट लेवल पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 4250। उसके बाद एक बार स्टॉक 4250 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपका टारगेट जो है रिवाइज होके फिर हो जाना चाहिए 6000, 6500 का। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है वीकली बेसिस पे। सेकेंड थिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज स्टॉक ने बनाया है 655 से 825 का एक रेंज था जिस रेंज में स्टॉक लास्ट 1.5 ईयर से ट्रेड कर रहा था जिसको कि अब स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है। स्टॉक ऊपर की साइड में इमीडिएट जा सकता है 1000, 1030 के लेवल पे। उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको टच करने के लिए जा सकता है 1150, 1160 का लेवल। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पे आप होल्ड करके रखें, अगर पोजीशन नहीं है तो रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है लगातार यहाँ पे मूव कर रहा है तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और रिट्रेसमेंट के बाद वापस से स्टॉक जो है ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। रिट्रेसमेंट पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके लिए एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है लॉरस लैब। इस स्टॉक के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वापस से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक अच्छा वीकली बेसिस पे कैंडल क्लोज किया है। डाउन साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर साइड से नेकलाइन जो है ब्रेकआउट हो चुका है वीकली बेसिस पे। काफी समय के बाद ये लेवल जो है आपको ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, स्टॉक ने 2022 में इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, नीचे गया, वापस से स्लो एंड स्टडी स्टॉक आके इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो अब स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 600 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 700 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी स्टॉक है यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे
यहाँ पे अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपका एसएल होना चाहिए 400 के नीचे, ऊपर की साइड में आपका पहला टारगेट होगा 600 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 700 का। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।